ओम शांति जी, नमस्कार। मैं गर्व सिनी वाला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं लेटर की श्रृंखला में एच लेटर। जिन व्यक्तियों का नेम का फर्स्ट लेटर अगर एच आता है, वैसे लोगों का स्वभाव क्या होता है, करियर क्या होता है, उनकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, उनकी एजुकेशन कैसे होने वाली है, और साल 2024 उनके लिए क्या कुछ लेके आया है, इसके बारे में जानेंगे। और उससे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि आप सभी अगर न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारा न्यूमरोलॉजी का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट करें। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है ना, इस विद्या को सीख के आप चाहे तो अपना प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली को भी लाइफ में चेंजिंग ला सकते हैं, या तो आप इसे प्रोफेशनल तरीके से आप एक अच्छा एक मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये साइंस आपके लिए, और मैंने अपने काफ़ी इतने सारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इतने साल के अनुभव के अकॉर्डिंग, जो मैंने ऐसी टेक्निक से आपको बताने का प्रयास करूंगा जो आप बहुत इजी मेथड से समझ पाएंगे इस साइंस को, और दूसरे का भी कल्याण करेंगे, खुद का भी करेंगे, और जीवन में एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हैं। अगर आपको इच्छा है तो आप डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हमारी टीम से नंबर दिया हुआ है, या आप पर्सनल कंसल्टेंसी भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर एच, एच लेटर जो होता है ना, एच लेटर जो बोलते हैं, एक ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो स्वभाव से होते हैं बहुत ही हसमुख, एक हैप्पी होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, एक हसमुख होते हैं, ऐसे लोग थोड़ा कॉमेडी किस्म का होता है, जिसे बोलते हैं कि मजाकिया किस्म का होना, इनको मजाक करना, कॉमेडी करना, मस्ती करना, मौज मस्ती करना इनको थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग जो ना हर वक्त जो है ना मज़े के मूड में रहते हैं, इनको लगता है जॉली मूड, जिसे बोलते हैं ना जॉली मूड में रहते हैं, इनको एकदम बोलते ना बिल्कुल चिल रहते, टेंशन लेने वाले ऐसे लोग ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि इनकी लाइफ में भले ही कितने भी टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, स्ट्रगल हो, परेशानी कितना भी हो, बट ये खुद को हावी नहीं होने देते उस पर। ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं ना, अरे मेरा तो ये पेट दुख रहा है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरा ये समस्या है, बोलते कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं है आ जाएगा, मेहनत करेंगे आ जाएगा। तो इनकी एक पर्सनैलिटीज एक और अलग होती है, और ये लाइफ में जो है ना मनी को अट्रैक्ट करते हैं। ईच लेटर वाले जो है ना मनी लेटर होता है, मनी को अट्रैक्ट करते हैं, खास करके खुद पर किसी भी निगेटिव चीज़ को हावी नहीं होने देते। कैसे भी सिचुएशन हो, मतलब कितना भी गंभीर माहौल को हो, कैसे भी सिचुएशन हो, ये खुद को एकदम बिल्कुल एकदम लाइट, बिल्कुल हल्का बनाने का पूरा एकदम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना बिल्कुल एकदम, और ये दिल के बहुत ही सच्चे और ट्रू होते हैं, सच्चे दिल वाले होते हैं इनका। बोलते हैं ना कि ऐसे लोगों पर, ईच लेटर लेटर वालों पर बोला जाता है कि आँख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर परमात्मा ने चीज़ें दिया है, इनके मनोबल जो होते हैं बहुत अच्छा होते हैं। बात करते हैं कि इनकी अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इनके शिक्षा के लिए, खास करके अगर कोई विद्यार्थी स्टूडेंट है तो एच लेटर वाले, जिन व्यक्तियों का जातक का नाम एच लेटर से आता है, उनकी शिक्षा की, उनको क्या होता है ना कि वैसे लोग एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र से ये साल 2024 उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। बोलते ना कि विवेक से या कोई कंपटीशन के एग्जाम हो, ये अपने दिमाग से उस परीक्षा को देने वाले हैं, उत्तीर्ण भी करेंगे, तो उनके लिए एक साल बहुत है। और एजुकेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वर्ष बहुत ही अच्छा है, शुभ है, क्योंकि ईच लेटर का परमात्मा के सपोर्ट भी है, मनी लेटर है, माइंडेड लेटर, और दिल के बहुत अच्छे हो, कहावत है कि सच्चे दिल पे साहब राजी। तो एक ऐसे ईच लेटर वाले बोलते तो कि ऐसे लोगों पर जो है ना सच्चे दिल वाले होते हैं, दिल वाले होते हैं, तो साहब यानी परमात्मा भी ऐसे लोगों पर राजी होते हैं। तो इनकी क्वालिटी है, और शिक्षा में इनको बहुत अच्छा होता है ना कि विस्फोटक भी प्रतियोगिता रहेगा, वहाँ पर भी अच्छा करेंगे, नो डाउट बहुत अच्छा करेंगे। दूसरा होता है कि ऐसे लोग कोई भी एग्जाम में अगर भाग ले रहे हैं तो बृहस्पति और शनि के प्रभाव से जो होता है, बृहस्पति शनि के प्रभाव से यानी 3/8 नंबर के इफेक्ट से अच्छी सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इस साल इनके लिए बहुत ही अच्छा और एजुकेशन के मामले में अच्छा रहने वाला है, शिक्षा के क्षेत्रों में, क्योंकि 2024 को जब जोड़ेंगे तो 2+0+2 4 आता है 8 नंबर। 2024 8 नंबर होता है, जो शनि का नंबर है, कार्मिक नंबर है, कर्म के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है, और 8 नंबर अपना कर्म। जो एच लेटर वाले होते हैं, जिन व्यक्तियों के नाम का अच्छा फर्स्ट अच्छा एच का होता है, कर्मों को अपना बैलेंस करते हैं, और ऐसे लोग अपनी धन पर, अपनी एबिलिटी पर, अपनी इच्छा शक्ति को डेवलप करके, इंक्रीज करके जॉब यानी नौकरी मिलने में पूरे संकेत है, ले सकते हैं नौकरी का पूरे चांस है। करियर की बात करें तो ऐसे लोग आने वाला साल 2024 जो होता है एच लेटर वालों के लिए काफ़ी कार्य और व्यवसाय के दृष्टिकोण से शुभ होने वाला अच्छा साल रहने वाला है। साल की अगर शुरुआत करें तो आपका जो है वीनस, सबसे पहले आपके ऊपर जो होने वाला है बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति यानी जुपिटर। अब बृहस्पति का गोचर जो होता है आपके ऊपर सबसे पहले सकारात्मक रूप प्रभाव डालेगा,
यानी कि हाईली पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर ही डालेगा स्टार्टिंग से। अब इस दौरान जब बृहस्पति के गोचर आपके ऊपर आएगा ना, तो इस दौरान क्या होता है कि आप अपने जो भी काम कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको मेजर आपको सफलता या आपको प्रॉफिट मिलने का अवसर प्राप्त होंगे, इस संभावना है। क्योंकि जब बृहस्पति आते हैं तो कुछ न कुछ दे के जाते हैं, और कुछ नहीं बहुत कुछ दे के जाते हैं। दूसरा है, ऐसे लोग जो हैं अच्छे लोगों के साथ और सहयोग से आपके लाइफ में अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा सहयोग मिलेगा, उसके साथ साथ आप एक व्यवसाय को एक नई दिशा में भी आपको मिलेगी। आप जो बिजनेस को जहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ पे भी उस बिजनेस को लेके जा सकते हैं, एक अच्छा जगह पे, एक अच्छे पोजीशन पे, लेवल पे, जिससे आगे चलकर आपको बिजनेस में एक अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। ताकि आगे चल के इस चीज़ों को जब सुधारेंगे तो आगे जब भी बड़ा बिजनेस करेंगे तो आपको सफलता और सफल बिजनेसमैन कहलाएंगे। बात करते हैं अप्रैल मंथ की। अप्रैल के बाद करियर में तरक्की और आय में वृद्धि और अपार संभावनाएं मिलेंगी। जब चौथा महीना आएगा तो एच लेटर वाले के ऊपर अपना इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। कब? जब फोर नंबर का आएगा। तो अभी इनके रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, वैवाहिक जीवन की बात करें, ऐसे साल जो होते हैं आपके लिए आने वाले साल पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास और बेहद और वरदानी काम तो नहीं होंगे, क्योंकि फैमिली में शांति और सद्भावना बना रहेगा, लेकिन आपको मैरिड लाइफ में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। आपके पेरेंट्स या आपके सिस्टर या ब्रदर, माता पिता सहित अपने परिवार के सभी सदस्य सहयोग की, हेल्प की जरूरत पड़ेगी, या आपको हेल्प कर सकते हैं या तो आप उनको हेल्प करेंगे। जब आप हेल्प करेंगे तो सभी लोग फुल फैमिली के आओगे कि चीज़ें मिलकर एक अच्छे से लाइफ को इंजॉय करेंगे, आनंद उठाएंगे और प्रेम पूर्वक रहेंगे। आपस में प्रेम संबंध बना रहेगा, थोड़ी बहुत तो चलती है, बट एक जनरली देखा जाए तो आपस में प्रेम संबंध आप सबके बने रहेंगे। आप अपने जीवन साथी जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ अच्छे पलों का आप इंजॉय भी करेंगे, उसके साथ साथ आप सामाजिक छवि जो बोलते हैं कि आपका जो सोशल इमेज है या आपका मान सम्मान भी आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो आप काम करेंगे उसमें आपको लोग सम्मानित करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे और चीज़ें बिल्कुल अच्छा भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ जिन व्यक्तियों का एच लेटर नाम का फर्स्ट लेटर एच है, उनके लिए इस साल बहुत ही अच्छा होने वाला है 2024। और हमारी आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं और मंगलवाद है कि आप सभी जीवन में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें और आपके पास सारी समस्याओं का दूर हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वैसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुँचता रहे। ओम शांति।